कलर्स टीवी के कंट्रोवर्शियल शो बिग बॉस और सलमान खान के इस दूसरे घर में ना जाने कितने ही टीवी सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट बनकर आए हैं, जो अपने गेम से कभी दर्शकों को हंसा जाते थे तो कभी सर पकड़ने पर मजबूर कर देते थे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले सलमान खान के इस दूसरे घर में कुछ सितारों ने तो रो रो कर अपना हाल इतना बुरा कर लिया कि लोग उन्हें देखकर खुद ही बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जी हाँ, बिग बॉस के घर में कैद होकर कई सितारे तो खून के आंसू भी रोने पर मजबूर हो गए थे, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए आज के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर एक, जैस्मिन भसीन। बिग बॉस सीजन 14 में टीवी की नौटंकी एक्ट्रेस जैस्मिन भसीन तो बिना बात बात पर रोती हुई नजर आई थी। जहाँ पर इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता था तो रोकर ही ये टीआरपी बटोरने की कोशिश करती थी। नंबर दो, देवोलीना भट्टाचार्य। बिग बॉस के घर में देवोलीना भट्टाचार्य अपनी फ्रेंड रश्मि देसाई के लिए रोई थी, क्योंकि अरहान खान के आने से उनकी फ्रेंड छीन गई थी, जिसके चलते इन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिसकी वजह से इन्हें भी रश्मि के लिए खूब आंसू बहाते हुए देखा गया है। नंबर तीन, दीपिका कक्कड़। बिग बॉस 12 में कैद होकर दीपिका कक्कड़ अपने खाना बनाने को लेकर काफी ज्यादा ट्रोल हुई थी, जहां पर सब कह रहे थे कि ये शिल्पा शिंदे की तरह किचन में 24 घंटा रहती हैं, और इस बात को सुनकर दीपिका कक्कड़ ने शो के अंदर खून के आंसू बहाए थे। नंबर चार, आरती सिंह। आरती सिंह को बिग बॉस 13 में कुछ ज्यादा काम करते तो नहीं देखा गया, लेकिन ये सिद्धार्थ शुक्ला के साथ थोड़ी अनबन और विवादों को लेकर काफी ज्यादा रोई थी, क्योंकि इन्हें सिद्धार्थ को देखकर शो में अपना अतीत याद आ गया था। नंबर पांच, हिना खान। हिना खान को भी बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा रोते हुए देखा गया, वो भी तब जब इनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल इनसे घर में मिलने आए थे, जहां पर ये खुद के आंसू को रोक नहीं पाई थी। नंबर छह, रूबीना दिलैक। रूबीना दिलैक वो एक्ट्रेस है जिन्होंने बिग बॉस 14 में अपनी तीखी आवाज से और स्ट्रिक्ट बिहेवियर के अलावा अपने पति अभिनव शुक्ला के साथ बिगड़ते रिश्तों को लेकर बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा रोई थी। नंबर सात, तेजस्वी प्रकाश। तेजस्वी प्रकाश पिछले सीजन की विनर रही हैं, जहां पर इन्होंने अपना मायावी दिमाग लगाकर और दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए इन्होंने 3-4 आंसू बहा ही लिए थे। नंबर आठ, सुम्बुल तौकीर। बिग बॉस 16 में दर्शकों की फेवरेट सुम्बुल तौकीर तो फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक शो में रोती हुई नजर आ रही हैं, जहां पर हर कोई इन्हें डांट कर चला जाता है, जहां पर हर कोई इन्हें बच्चा समझता है, और ये खुद भी अपनी बेवकूफी और शालिन के पीछे अपना माथा खपाकर हर वक्त खून के आंसू बहाते हुए शो में दिख रही हैं। तो दोस्तों, किस कंटेस्टेंट का रोना आपको बिग बॉस के घर में बिल्कुल फालतू लगा था, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।